नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं खबर बॉक्स। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे महंगाई मैन मोदी के फिर चले चाबू की, शिवाजी की मूर्ति को लेकर महाराष्ट्र में मचे घमासान की, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर आई बड़ी अपडेट की, कोलकाता केस में आए नए मोड़ की, हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस की घबराहट की, बात करेंगे पेपर लीक के बीच राहुल गांधी की फिर बड़ी लोकप्रियता की, और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे सितंबर महीने की शुरुआत में हुए 6 बड़े बदलावों की। इसके साथ ही जानेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई हैं और उनसे जुड़ा हुआ क्या है नया अपडेट। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 39 रुपए महंगा हुआ 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर, रविवार से देश में लागू हुई नई कीमत। इधर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा कि महंगाई मैन मोदी फिर चला चाबुक। ओबीसी का समय खत्म, अब दलित बनेगा बिहार का सीएम, भाजपा के पूर्व मंत्री संजय पासवान का बड़ा बयान, बोले कि बिहार में बदलाव वर्तमान राजनीति और समय की मांग है। रविवार को बंद रहा गेटवे ऑफ इंडिया, शिवाजी की मूर्ति गिरने के विरोध में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने किया प्रोटेस्ट, चप्पल लेकर सड़क पर उतरे लोग, विरोध को दिया जूते मारो नाम। उद्धव बोले कि मोदी की माफी अहंकार से भरी है, महाराष्ट्र के लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए धोखा ही बीजेपी की एकमात्र नीति, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा कि 65% पद खाली होने के बावजूद भी सरकार पिछले 4 सालों से वहां भर्ती नहीं करा पाई। संगी हमेशा झुंड में आते हैं और सिर्फ कमजोर को निशाना बना सकते हैं, हरियाणा के चरखी दादरी में हुई मॉब लिंचिंग पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी आरएसएस पर आरोप लगाते हुए बोले कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं क्योंकि बीजेपी की हुकूमत इसका आंतरिक समर्थन करती है। राजस्थान में भजनलाल सरकार की बड़ी सौगात, अब NFSA से जुड़ी परिवारों को भी केवल 450 रुपए में मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के सुझाव के लिए भाजपा ने बनाई टीम, 5 राज्यों के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष होंगे इसके सदस्य, इस दौरान मुस्लिम विद्वानों से चर्चा कर बताए जाएंगे इसके फायदे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बदल गई तारीख, अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग, वहीं जम्मू कश्मीर व हरियाणा दोनों राज्यों के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ निकाली जन आक्रोश रैली, सांसद बांसुरी स्वराज बोले कि एक दशक से आप सरकार सत्ता भोग रही है लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कुछ काम नहीं कर रही है। केंद्र सरकार की मंशा साफ है कि वो आरक्षण नहीं देना चाहते, पिछड़ों दलितों के आरक्षण की मांग पर बोले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हमारी पार्टी और हमारे लोग इस आरक्षण को शामिल करके रहेंगे। कोलकाता केस में पीड़ित के परिवार को किया गया नजरबंद, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया दावा, बोले कि डॉक्टर की फैमिली को पैसे ऑफर किए ताकि अंतिम संस्कार जल्द हो। HLL लाइफ केयर में 1121 पदों पर व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 510 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, वहीं ITBP में 819 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हुए। इसके अलावा और भी कई सरकारी नौकरियों की ताजा अपडेट पाने के लिए गूगल में अभी विजिट करें rkalert.in वेबसाइट पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से भाग रही कांग्रेस, तारीख लोगों के हिसाब से बढ़ाई गई, कांग्रेस के आरोप पर भाजपा नेता अनिल विज ने किया पलटवार, कहा कि अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं तो मत जाना वोट डालने। यूपी के मैनपुरी में शहीद स्मारक पर चला बुलडोजर, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया, बोले कि शहादत का मोल नहीं समझ सकते भाजपा। 10 साल में 35% बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी, दिल्ली में बोले पीएम मोदी, साथ ही कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 90% इजाफा हुआ, अब देशवासियों को सुशासन देना हमारा संकल्प। बांग्लादेश में हिंदू शिक्षकों से मांगा जा रहा इस्तीफा, इधर यूनुस सरकार ने बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा, कहा कि भारत कोई ना भागे। 6 सितंबर को रिलीज होनी थी फिल्म इमरजेंसी लेकिन लगा दी गई रोक, एक्ट्रेस कंगना रनौत बोली कि सर्टिफिकेट नहीं मिला, सेंसर बोर्ड वालों को धमकी मिल रही है। एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह ने संभाला वायुसेना के डिप्टी चीफ का पदभार, रविवार को वॉर मेमोरियल पर दी वीरों को श्रद्धांजलि। अगले 3 महीने में लॉन्च होगी वंदे भारत स्लीपर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाया ट्रेन का पहला मॉडल, बोले कि किराया केवल राजधानी जितना होगा।
न नाराज हूँ, न निराश हूँ, न हताश हूँ, जेडीयू के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा देने पर बोले केसी त्यागी। कहा कि पार्टी में रहूंगा और राजनीतिक सलाहकार की भूमिका निभाता रहूंगा। ये तो थी सुर्खियाँ, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, लेटेस्ट न्यूज और ताजा खबरों के वीडियो और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है। अब खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति को लेकर मचे बवाल की। जी हां, कोल्हापुर में जब से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी है, उसके विरोध में रविवार को महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में प्रदर्शन शुरू किया है। साथ ही इस प्रदर्शन को जोड़े मारो यानी कि जूते मारो आंदोलन नाम दिया गया है। आपको बता दें कि एमवीए ने साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए के तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान उद्धव ठाकरे ने सीएम सिंधे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के पोस्टर पर चप्पल मारी। उन्होंने कहा कि मोदी की माफी अहंकार से भरी हुई है, महाराष्ट्र के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वहीं शरद पवार बोले कि सिंधु दुर्ग में छत्रपति महाराज शिवाजी की मूर्ति का गिरना भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है, यह सभी शिवाजी के अनुयायियों का अपमान है। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने भी पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्य चुनाव को ध्यान में रखते हुए माफी मांगी है, लेकिन हमने यह संकल्प लिया है कि ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। इधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि यह हमारे लिए बहुत दुखद बात है, शिवाजी महाराज हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकते, यह हमारी पहचान और आस्था का मामला है। जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण थी, इस पर राजनीति करना ज्यादा दुखद बात है और विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। कौन राजनीति कर रहा है और कौन सही चल रहा है, इस बात का मालूम तो आगामी विधानसभा चुनाव में लग ही जाएगा, लेकिन मोदी सरकार के लिए शिवाजी की मूर्ति गिरना किसी बड़ी आफत से कम नहीं है। वहीं आफत तो एनडीए सरकार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी खड़ी कर दी है और फिर से युवाओं को एकजुटता का संदेश देते हुए मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसे में क्या कहा है कांग्रेस नेता ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल के जरिए युवाओं को महत्वपूर्ण संदेश दिया और साथ ही मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं के बीच बढ़ती आत्मदाह दर बहुत ही दुखद है और चिंताजनक भी है। पिछले दशक में जबकि 0 से 24 आयु के बच्चों की जनसंख्या 58.2 करोड़ से घटकर 58.10 करोड़ हो गई है। छात्र आत्मदाहों की संख्या चौंकाने वाले रूप में 6,654 से बढ़कर 13,044 हो गई है। वहीं बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर भी कांग्रेस नेता ने चिंता जाहिर की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत आज सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस शक्ति को सही इस्तेमाल की सुविधाओं की जगह उन्हें कठिनाइयां और मजबूरियां मिल रही हैं। ये सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही गहरी समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। बता दें कि कांग्रेस सांसद बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने आगे कहा कि भयंकर बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा में भ्रष्टाचार, महंगी पढ़ाई, सामाजिक उत्पीड़न, आर्थिक असमानता, आज के विद्यार्थी ऐसी अनगिनत समस्याओं से जूझते हुए सफलता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सरकार से अपेक्षा है कि वो विद्यार्थी और युवाओं को इस कठिन रास्ते को आसान करने की हर संभव योजना बनाए, उनके रास्ते में बाधाएं नहीं, उन्हें समर्थन पहुंचाए। इसके अलावा विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों से अनुरोध है कि उन्हें मानसिक समर्थन और प्रोत्साहन दें और देश के युवा साथियों से अपील है कि समस्याओं के विरुद्ध आवाज उठाओ, सवाल करो, अपना हक मांगो, डरो मत, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपके अधिकार दिलाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ता रहूंगा। अब वीडियो के अंत में हम बात करते हैं सितंबर महीने की शुरुआत आम आदमी के लिए किस प्रकार हुई। वहीं कहीं महंगाई का चाबुक चला तो कहीं आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। ऐसे में इस रिपोर्ट में उन 6 बड़े बदलावों की बात करेंगे जिनका आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। पहला, कमर्शियल गैस सिलेंडर पर चला महंगाई का चाबुक। जी हाँ, आज से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर 39 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में अभी है 1652 रुपए से बढ़कर 1691 रुपए में बिकेगा। वहीं कोलकाता में अब यह है 38 रुपए बढ़कर 1802 रुपए में, जबकि मुंबई में 1605 रुपए से 1644 रुपए का हो गया है। हालांकि 14.2 केजी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में यह 803 और मुंबई में 802.50 रुपए का मिल रहा है। दूसरा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने महानगरों में ATF की कीमतों को घटाया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में ATF 4495.50 रुपए सस्ता हो
होकर 93,480.22 रुपए प्रति किलो हो गया है। इसके हवाई सफर सस्ता होने की प्रबल संभावना है। तीसरा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 सितंबर से कॉल और SMS स्कीम से जुड़ा साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए दूर संचार नियमों में बदलाव लागू किया है। चौथा, राजस्थान में अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA से जुड़े परिवारों को केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से अब और 68 लाख परिवारों को फायदा होगा। पांचवा, आधार कार्ड में मुफ्त में जानकारी अपडेट करने का मौका अब 14 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। UIDAI ने लोगों से अपील की है कि वे अपने पहचान और पते के दस्तावेजों को सही रखें और समय समय पर अपडेट करें। इस सुविधा का फायदा उठाकर आप अपने आधार कार्ड को बिना किसी चार्ज के ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। छठा, क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी सितंबर से बदलाव किए गए हैं। HDFC बैंक ने यूटिलिटी बिल्स पर मिलने वाले रिवार्ड्स पॉइंट्स की सीमा तय कर दी है। वहीं IDFC फर्स्ट बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड के भुगतान के नियमों में बदलाव किया है। इससे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहकों पर असर पड़ेगा। तो इन 6 बदलावों में कौन सा बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होने जा रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।